अकेले अपन यार बोलने वाला थोड़ा सा तो बोलने से आते ही बाबू नहीं लगाते। बड़ा माननीय मंच पर आसीन फरीदाबाद लोकसभा के भावी सांसद चौधरी महेंद्र प्रताप जी, हरीश प्रोग्राम के आयोजक पूर्व प्रधान संजीव जी, देखो सबका नाम तो लेना नहीं, टाइम की व्यवस्था देखनी है, बाबू जी के आगे भी प्रोग्राम है, और मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, आयोजक टीम के सभी सदस्यगण, और इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए मेरे पिता समान, नौजवान साथी, मेरी बहनें, मैं सिर्फ मुद्दों की बात करूंगा, ना रशिया की, ना अमेरिका की, ना विदेश की, अपने फरीदाबाद की। कभी सपनों में भी सोचा था कि मेट्रो में सफर करोगे? 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, मेट्रो, बदरपुर फ्लाईओवर, आईएमटी, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, मीठे पानी की रहने वाली योजना, ग्रेटर फरीदाबाद, केएमपी, गुड़गांव मसौना सिक्स लाइन, बाईपास, कैली बाईपास, फरीदाबाद के सेक्टर गांव और कॉलोनियों में आरएमसी सड़कें, पार्कों की पौंड दीवार, कैनोपी, झूले, बेंच, हाई मास लाइट, पार्कों में लगने वाले ट्यूबल, सब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस सरकार में 2005 से 14 तक लगाए। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार रही, एक इंच जमीन भी किसी समाज की संस्था को नहीं मिली, किसी धर्मशाला को नहीं मिली। 2005 से 14 तक भाई आप वकील हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई गलत बात करूं तो ठोक देना, पर ताली जरूर बजा देना एक बार। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए सेक्टर 16 के अंदर 2 एकड़ का 10 एकड़ ग्राउंड दिया, सेक्टर 16 में पंजाबी भवन दिया, सेक्टर 16 में गुर्जर भवन दिया, सेक्टर 16 में किसान भवन दिया, सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन देने का काम करा। क्या एक इंच जमीन भी सरकार में मिली है? जमीन भी दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, ग्रांट भी दी, और वकीलों को चैंबर की जगह दी। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे चुने हुए नुमाइंदे इस कोर्ट के अंदर आए, इस बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में आए, 51 लाख की घोषणा कर गए, और जब घर लेने गए तो 51,000 रुपए दिखा दिए। जो हम कहते हैं करते हैं, हमारी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। आप फरीदाबाद लोकसभा से चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जिता कर भेजो। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको बहकाया नहीं जा सकता। जो जजों के सामने केस जीत कर लाते हो उन्हें कोई नहीं बहका सकता। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनेंगे, जो बीजेपी ने झूठा नारा दिया था 2019-75 पार का, वो सच्चा नारा कांग्रेस करेगी 75 पार का 2024 में। एक कहे बिना रुकूंगा नहीं, राइट पीछे से टोक में तो वकील साहब सुन लो, तुम सारा दिन कोर्ट में शोर मचाओ, मैं नहीं बोलता, आज मुझे बोल दे। ऐसा है, एक ऑडियो वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुई। भाजपा उम्मीदवार ने एक ऑडियो में कहा कि वैश्य समाज लोकसभा की टिकट गांव में कौन घुसने देगा, ये तो तराजू बार तोड़ते हैं, तराजू बार तोड़ेंगे और महेंद्र प्रताप को जिताएंगे और भाजपा उम्मीदवार को हराएंगे। दूसरी वीडियो परसों वायरल हुई, भाजपा जिला अध्यक्ष का कितना बड़ा अपमान हुआ मुख्यमंत्री के सामने। भैया वकील ज्यादा जोर मार रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये अपील करूंगा चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जिताएं और कांग्रेस को लाएं। धन्यवाद।
लखन कुमार सिंगला थे।